बताइए ना, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अरे क्या बात कर रही हैं आप, मेरा तो जन्म ही हुआ है, भगवान ने दिया है जन्म मुझे इसलिए कि मैं हसीनाओं को अपनी बाइक पर लिफ्ट दे सकूं। हसीनाओं में हड़कंप है। क्यों, क्या आपका जन्म बाइक पे हुआ था? सॉरी, वो मजाक करने की आदत है। संभालो। मेरे होते हुए तुम किसी और की बाइक पे बैठ जाओ, ये हो नहीं सकता। ये कौन है? हसीनाओं में हड़कंप है। अरे भाग यहाँ से, घनचक्कर देंगे रख के हाथ बिलौटे। अगर हमारी जमालों को बाइक पे बिठाने की सोचे भी ना, तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है, प्लीज मुझे इस चूरन की जीरा बट्टी बनने से बचाओ ना। ये बचाएगा, ये बचाएगा तुम्हें। इसकी हड्डियां तो राइट ना, हम तोड़ ही देते हैं, बस डिसाइड कर चुके हम तो गया ये। वन मोमेंट प्लीज। इसने हमारा कंधा तोड़ दिया। हमें नहीं लड़ना है इससे। हाँ। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईमान है। जमा लो, तुम इसके साथ रहो, हम जाते घर पे, जरा कंधा वंधा ठीक करके आते। आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकले। आपकी बॉडी बॉडी नहीं बल्कि स्टील की अलमारी है। आपका नाम क्या है? जुन्नू। जितने स्ट्रॉन्ग आप, उतना स्ट्रॉन्ग आपका नाम। क्या पावरफुल नाम है, जुन्नू। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है जमालो? गेस करो। अनीता, पुष्पा, विनीता। जमालो, 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 जमालो को अपना बना लो। सच, हसीनाओं में हड़कंप है। अच्छा सुनिए ना, आज शाम को आप मुझसे मिलने आएंगे? कहाँ नहीं बता, तो हम आ जाएंगे। ऊपर नहीं चढ़ नहीं पाते फिर कहाँ। यहाँ पर जो वो पास में मछली मार्केट है ना, उसके पास जो पार्किंग लॉट है ना, दुबेदी पार्किंग लॉट, वही तो। वो तो बहुत ही रोमांटिक जगह हो गई फिर तो। आ जाएंगे भैया। आज चंपी नहीं करोगे आप? हाय हाय, सद के जाऊं मैं तेरे। यार बिना बुलाए आ गया तू, बहुत चंगा लड़का है यार, बहुत तरक्की करेगा तू जिंदगी में। चल हो जा शुरू। तेल मालिश। ओह माय गॉड, तेल मालिश, आई लाइक इट, तेल मालिश प्लीज। अच्छे से लगाना, ऐसे से करके। सुनो, ये कैंसल आज की, ये तेल मालिश जो भी तू करना चाह रहे नहीं चाहिए है, फिर से कभी। ठीक है भैया, तेल वेस्ट हो जाएगा। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, उसे दिए दुए में डाल दो, जल जाएगा दिया, रहने दो, कैंसल है? कोई बात, चलो। इतनी मेहनत की थी सब। अरे मैं तो यूँ कह रही हूँ कि मैडम ने कुछ पता लगा। आप हमें बहुत याद आते हो। अरे नहीं। हाँ आप हमें बहुत याद आते हो। अरे कोई है? कोई नहीं है। है? चिलमन चकनाचूर है। गोला गंडा कम खाया करो आप। अरे कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। यूज़लेस, कैसा आना हुआ चौकी यार।
अरे भैया हम ये पूछने आए हैं कि मैडम ने हमारे केस के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं, चिलमन चकनाचूर है। अरे इनकी आवाज तो और भी बैठ गई है यार पहले से। यार वो पेपर दो जरा। एक मिनट रुकिए। हेलो चेक अब ठीक है, अब बोलिए। अरे भैया हम ये पता करने आए हैं मैडम ने हमारे केस के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं, चिलमन चकनाचूर है। केस के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं ये पूछ रही हैं आप? अरे पता क्या लगाया, सब कुछ हो चुका है। आपके वो चाचा का लड़का है ना, वो चिमगादड़ की शक्ल का, क्या नाम है उसका, झुन्नू, उसको मैडम ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। मॉम ने उसको पार्किंग में बुलाया है, he's so romantic। फिर उसके बाद में जुन्नू फंसेगा और यूजलेस हंसेगा। कैसे हंसोगे बता दो, अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बाद में फिर किरकिरी हो जाएगी वहां पे। ठीक है यार, कह कहा के हंसो, मतलब जोर से हंसो, खुल के हंसो। रावण की तरह, तो रावण कैसे हंसता है? रावण अबे इतनी देर हो गई, यो आया ना चुचुंदर, बंदर की शकल का, लंगूर का रिलेटिव, लेडीज टॉप पहनने वाला, बैठ करवा रहा हमारे से। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, मैं इतनी देर से यहाँ अकेली खड़ी हूँ, अगर मुझे कोई छेड़ देता तो जा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अरे 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 सुनो तो, जमालो सुनो तो, अभी आ गया हूँ तो रुको। देखो ना, हम दोनों के प्यार का पेट्रोल मोहब्बत की गाड़ी में डलने लग गया। मैं तो चाहती हूँ कि बस अब हम एक दूसरे के हो जाएं। जमालो, मैं दिल की बात कहूँ, मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी दादी से मिलना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम अपने डैडी के साथ या जो भी तुम्हारे घर में हो उनके साथ मेरी दादी से मिलने आ जाओ और शादी की बात कर लो ना। जमालों में ओवर एज वालों से मिलता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दादी से मिलने आऊंगा और अपने बाप को लेके आऊंगा और शादी की बात चलाऊंगा। ऐसी गर्दी हो तो बहुत अच्छा लगता है, हसीनाओं में हड़कंप है। Goodness gracious me! Forgive me, young man. Forgive me, for I have sinned. ये क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या रे, जमाले के मामा ऐसा है। अच्छा, हाँ, yes. Gentlemen, what brings you here to the Dhakkan residence? जी देखिए, हमें जमालों की दादी से मिलना है, सेठानी घमंडी। अच्छा। So you're here to meet the queen. Be gracious enough to follow me, gentlemen. Please. Yo, brother from another mother. These two gentlemen here would like to meet the queen. The queen. Queen. Yeah!
नमस्ते दादी जी, सेठानी घमंडी अच्छा। आई एम फ्रॉम चंबल, मारता हूँ डंबल। तू कौन है बे? शक्ल से तो लगता है फटावा कंबल। जी देखिए, मैं इसका बाप हूँ। मैं इसकी शादी की बात दादी से करने आया हूँ। सेठानी घमंडी अच्छा, जोड़ी अच्छी लगेगी। दत्ता रे दत्ता, तेरा भी लाज नहीं आ रही है? हद करती छिछोरपंती की जाने तो। बुढ़िया से अपना जवान लौंडा ब्याहने ले आया। हम मशहूर डाकू। डाकू? हाँ, मशहूर डाकू ढक्कन सिंह की विधवा से। काय गोला बारूद? गोला at your service, my lady. You don't have to say more. I shall chop these two gentlemen into small, 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 small pieces. कुछ काटेंगे शायद। मैं हूँ बारूद, इनकी खोपड़ी उड़ा दूंगा जैसे अमरूद। अरे अरे, वो है ना आपके घर में जमालो, हमें उससे प्यार है, उसका भी जिया बेकरार है, तो हम उससे शादी की बात करने आए हैं। हसीनाओं में हड़कंप है। हम पे पता है, हम पे जमालों ने सब बता दी है। चलते बुढ़िया आंटी। पर हम जो है एक बात बताना चाह रहे हैं कि का है कि जमालों के दद्दा सिर्फ जे एक बंदूक और जे एक संदूक भर छोड़ के गए हैं। अब जो है सबरों की नजरें जो संदूक में गड़ी हैं। अच्छा, तो दादी संदूक में ऐसा है क्या? सेठानी घमंडी अच्छा है? जा संदूक जो है जिनमें सोनो भरो है, बाटेम पे जाके कीमत 1 करोड़ थी। अब 30 साल बाद जाके भेगे होंगे 3-4 हजार ज्यादा रुपया, मतलब के 1 करोड़ 3-4 हजार। अब जो तुम हमसे रिश्तेदारी करना मांग रहे, तो हम चाह रहे कि हमारा जो काम है जो पहले करा दो। हमारा जो संदूक 1 करोड़ 5 हजार में जो बिकवा दो, तो हम भी करवा दे जमालों की हथेली पीली, हमारी हो जाए जिम्मेदारी ढीली। अरे वाह वाह बेटे, अरे क्या मुर्गी फंसाई है तूने, बिल्कुल बाप पे गया बाप पे। सेठानी घमंडी शायद सोच, 30 साल पहले जो सोना 1 करोड़ का था वो आज कम से कम 30 करोड़ का होगा, और ये बुढ़िया सोच रही है कि सिर्फ 3 या 4 हजार रेट बढ़ा है। सेठानी घमंडी शायद ये का खसर पुसर चल रही तुम पे है? कुछ नहीं दादी, दादी पिताजी ये कह रहे हैं कि अब घर जैसी बात हो गई है, रिश्तेदारी हो रही है इस घर में, तो 1 करोड़ 5 हजार की क्या बात है। हमारी जो दुकान है ना वो 1 करोड़ 30 हजार रुपए तक की वो हम आपको मतलब आपके नाम ही कर देंगे, और ये संदूक आप हमें दे दो जिससे आप जिम्मेदारी से ढीली हो सकें और जमालों के हाथ पीले हो सकें। हसीनाओं में हड़कंप है। कल आ जाने, कागज लेके अपनी दुकान के, हमारी बिटिया जमालों के नाम पे करा के, अभी हमारा आराम को टाइम होगा, अब हम पे तो ना बने बे। दादी को क्या हो गया, ये क्या कर रही है? It's time for her to rest. क्या बोले? दौरा पड़ गया दादी को। दौरा? रेस्ट का मतलब दौरा था? दौरा पड़ गया, दौरा। नहीं नहीं, तो पर्दा बंद। अच्छा पर्दा बंद गया। चलो चलो आगे। दादी, अरे वाह क्या बात है, इस उम्र में भी दादी फिटनेस की। ये दादी जी, ये पेपर तैयार है, हमने अपनी दुकान और सारा सामान जमालों के नाम कर दिया।
आपका बारूद पेपर सही है? Absolutely, my lady. हाँ हाँ सब लिखा गया सब लिखा गया. अब होगी है लिखत पढ़त, अब होनी चाहिए रिश्तों में भी बढ़त. तो अपन मोड़ा को लेके कल आ जाइयो, तो फिर कल करवा देंगे इंजन की सगाई. और जो सोने से भरा जो संदूक है ये भी कल ही ले जाना. हाँ ठीक है दादी जी, उसमें क्या, कल ले जाएंगे. चलो बेटा घर चल के सगाई की तैयारी करते. सेठानी गवंडी है. अच्छा ये लीजिए. गेट लॉस्ट. यस आ जा बापू. दादी के पांव तो झूले. पाई लोगे दादी? जीते रहो. हमार बिटिया का ख्याल रखना वरना डकैत हैं गोली मार देते हैं. चलो हो तो जाए एक बार. मैडम, अरे मैडम 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 हम लूट गए, बर्बाद हो गए मैडम. सेठानी घमंडी. अच्छा तुम लूट गए भैया, यो भला काम किसने कर दिया? मैडम मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या. मैडम मुझे एक लड़की मिली जमालू. तुम्हें? हाँ हाँ उम्र है, लपेटे में आ गए तो क्या है. मैडम उस लड़की ने मुझे अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया, बाद में उसकी दादी ने मुझे उल्लू बनाया और मेरी दुकान ना मतलब हमारी दुकान अपने नाम करवा ली. और उसके बदले में जो सोने से भरा बक्सा देने वाले थे वो उसी के साथ में होके चंपा थोली. हसीनाओं में हड़कंप है. ओह लेडी किलर. तो इसका मतलब ये कि एक लड़की और दादी आई और तुम दोनों को ठग लिया. अरे इन सब के पीछे वो जो मेरे दुकान में नौकर था यूजलेस, उसका हाथ है. सेठानी घमंडी. अच्छा अरे ये सब में यूजलेस का क्या लेना देना? देखिए मैडम मैडम ये वो जो दुकान मैंने जमालों के नाम की, ये खुद यूजलेस उस दुकान में सेठ बन के बैठा है और इतना बैठा है कि हम दोनों बाप बेटे को नौकरी देने की बात कर रहा है. सेठानी घमंडी. अच्छा वाओ 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 वाओ. अरे पिताजी ये सब कुछ नहीं है, ये उसकी चाल है. वो चालबाज है. चालबाज वो ना है बेचारा यूजलेस, चालबाज है यो थारा बापू. यूजलेस आ जाओ. Well, अब तुम हो सड़क के भिखारी इज़्ज़ा, अब शान से निकलेगी सेठ यूजलेस और सेठानी की सवारी इज़्ज़ा. इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी. मतलब जैसी मक्कारी तुम लोगों ने की वैसी चालाकी तुम लोगों के साथ की गई. वाओ 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 वाओ. और इस मक्कारी की सजा तुम्हें कानून भी देगा. एक आदमी को तुमने धोखा दिया है वो भी 20 सालों तक. अरेस्ट कर लो बेसे. माफ कर दो बेटा, लालच में मैं अंधा हो गया था. सेठानी कमंडी है चाक. और तुम भी दामाद जी माफ कर दो. अब देखना मैं खुद तुम दोनों की शादी कराऊंगा बहुत धूमधाम से. सेठानी कमंडी है चाक. चलो ठीक है, इब जब थारी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं तो मैं तने बता दूं थारी दुकान जो है कोई हड़पी उड़पी ना है, थारी है अभी भी. मैडम अब होगा मिलन, दुनिया नहीं है मिलन.